शानदार कार्यक्रम आपने देखा गुलेर में भी, उस समय त्रिफल में भी। ये स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार बनाने के लिए एकजुट और पूरी ताकत के साथ हमारे देहरा विधानसभा क्षेत्र में लगी हुई है। और कार्यक्रमों में भी जनता ने खुलकर आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को दिया। ये अपने आप में दिखाता है कि जनता चाहती है कि देश में स्थिर और निरंतर सरकार बने, ईमानदार दमदार मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बने, और हमारा देश जो दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है अब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, और उसके बाद हम अगले कुछ वर्षों में देश को विकसित भारत बने। सर, कांग्रेस के जो प्रत्याशी संसदीय क्षेत्र से आपके गेस्ट वही कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर ने ना तो अग्निवीर के लिए आवाज उठाई ना कुछ किया और खुद लेफ्टिनेंट बन गए, सीधे क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है जिन लोगों ने खनन माफिया को संरक्षण देने का काम किया, 15 महीनों में जिनकी सरकार ने बहनों के साथ अन्याय किया हो, लूटा हो, 1500 रुपये ना दिए हो पर महीना, 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध ना दिया, और जिन्होंने 300 यूनिट बिजली के मुफ्त ना दिए हो, 5 लाख नौकरियां ना दी हो, उनका जवाब दें जो सत्ता में है कि ऐसा क्यों नहीं किया। इनके पास उस बात का कोई जवाब नहीं क्योंकि 15 महीनों में सरकार सो ही हुई थी, इसीलिए 9 विधायक छोड़कर चले गए। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि सरकार से विश्वास 12-15 महीने में उठ गया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने आपके पिता का अपमान किया उन्हीं के साथ आपने हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, देश पहले फिर पार्टी अंत में स्वयं, नेशन फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट सेल्फ लास्ट, केजरीवाल और ये मैं कहते नहीं करके दिखाया। सर, केजरीवाल भाजपा अभी सारे सॉरी केजरीवाल भाजपा करने आ रहे थे आज। देखिए, नौटंकी कुछ लोगों को करने की आदत है, वो भ्रष्टाचार करते हैं, जेल में थे, जेल के बाद कंडीशनल बेल मिली है, अंतरिम राहत मिली है 20 दिन के, 2 तारीख को केजरीवाल जी वापस जेल जाएंगे, शायद वो भटक गए, उनको वापस जेल जाना है 2 तारीख को, और जो भ्रष्टाचार किया उसका जवाब भी देना पड़ेगा, जितने मर्जी नौटंकी जितने मर्जी उल्टे सीधे बयान दे लें, जाना जेल ही पड़ेगा, भ्रष्टाचार का जवाब देना ही पड़ेगा।